नमस्कार, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बैंगन की सब्जी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में बैंगन को फ्राई करने के लिए ऑयल को गर्म करेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद हमने लिए हैं आधा किलो बैंगन, जिसको हमने ऐसे लंबे टुकड़ों में काट लिया है, और अब इसे कढ़ाई में डाल के हम इसे फ्राई कर लेंगे। लीजिए, बैंगन हमारे हाफ फ्राई हो चुके हैं। अब इसे एक प्लेट में डाल लेंगे, और अब क्या करेंगे कि इसी ऑयल में हम जीरा डालेंगे। जीरा चटक जाने के बाद इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ एक प्याज, और इसे हल्का गुलाबी कलर होने तक हम पकाएंगे। और अब इसमें डालेंगे हम दो टमाटर, जिसको हमने मिक्सी में पीस के इसका पेस्ट बना लिया था, और अब इसे अच्छी तरह से हम पका लेंगे। और अभी इसमें हम डालेंगे ड्राई मसाले, एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, और दो से तीन छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और स्वादानुसार नमक, और इसे अब अच्छी तरह से मिक्स करते हुए पका लेंगे। और मसाले अच्छी तरह से पक जाने के बाद इसमें आधी कटोरी हम डालेंगे फेटा हुआ दही। और अभी कर दिया हमने गैस को मीडियम, दही डालते ही इसे चलाते रहना है, नहीं तो हमारा दही फट सकता है। तो लीजिए, हमारी ग्रेवी एकदम से रेडी है। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा पानी, और इसे चलाते हुए अब इसमें हम उबाल आने देंगे। इसमें उबाल आ चुके हैं, और अभी हम डालेंगे हमारे हाफ फ्राई किए हुए बैंगन। सारे बैंगन को डाल के हम इसे चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और थोड़ा पकने देंगे। तो लीजिए, हमारी बैंगन की सब्जी हो गई है तैयार। अब हम गैस को बंद कर देंगे, और अब इसमें डालेंगे हम धनिया पत्ती। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो एक बार फिर मिलते हैं कुछ नया लेकर, तब तक के लिए थैंक यू।